इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी के नारे पर अजीत पवार ने सवाल उठाए हैं। अजीत पवार ने कहा है कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे यूपी में चल सकता है, महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। अजीत ने आगे कहा है कि हाल ही में किसी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें यहां नहीं चलेंगी। वहीं अजीत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र साधु संतों का है, शिव प्रेमियों का है, अंबेडकर का है। अजीत पवार ने आखिरी में कहा कि कुछ भी कोई भी बोलेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी के नारे पर अजीत पवार ने सवाल उठाए हैं। अजीत पवार ने कहा है कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे यूपी में चल सकता है, महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। अजीत ने आगे कहा है कि हाल ही में किसी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें यहां नहीं चलेगी। वहीं अजीत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र साधु संतों का है, शिव प्रेमियों का है, अंबेडकर का है। अजीत पवार ने आखिरी में कहा कि कुछ भी कोई भी बोलेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी के नारे पर अजीत पवार ने सवाल उठाए हैं। अजीत पवार ने कहा है कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे यूपी में चल सकता है, महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। अजीत ने आगे कहा है कि हाल ही में किसी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें यहां नहीं चलेंगी। वहीं अजीत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र साधु संतों का है, शिव प्रेमियों का है, अंबेडकर का है। अजीत पवार ने आखिरी में कहा कि कुछ भी कोई भी बोलेगा तो हम उसका